अरे बहू जल्दी जल्दी दूध पिला, बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं यहाँ, क्या कर रही है इतने देर से? हाँ माँ जी बस हो ही गया। अरे दीदी थोड़ा सा पिलाने दीजिए, बच्चे का पेट ठीक से नहीं भरता है। अरे बच्चे का अगर पेट भरना है तो पैसे भी ज्यादा देने होंगे, इतने पैसे में इतना ही दूध मिलेगा। ला बहू जल्दी ला बच्चे को, फिर दूसरे कस्टमर खड़े हैं उन्हें भी तो पिलानी है। शायद संतोषी देवी अपनी बहू लता के पास से बच्चे ले लेती है और उस बच्चे को जाकर दे देती है और उसके बदले कुछ पैसे ले लेती है। वो औरत पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बदले दूसरी औरत आ जाती है। संतोषी देवी इस बच्चे को लेकर अपनी बहू लता के पास दे देती है और लता दूध पिलाने लगती है। लता इधर दूसरे के बच्चे को दूध पिला रही होती है, तभी लता का बच्चा वहीं पर सोया था, वो भूख के मारे रोने लगता है। ओए, 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 ओए। अरे माँ जी मेरा बच्चा रो रहा है, बाकी दूध मैं अपने बच्चे को पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं वो तो फोकट का दूध पिएगा, थोड़ा देर रोएगा फिर चुप हो जाएगा, तो इधर दूध पिला, इधर पैसे मिल रहे हैं। इसी सास संतोषी देवी हर औरत से बच्चे को लेती है और अपनी बहू से दूध पिलाकर उस बच्चे को दे देती है, बदले में पैसे लेती है। आखिर ये सिलसिला क्यों चलता है? सभी कोई अपने बच्चे को यहाँ क्यों लेके आते हैं दूध पिलाने के लिए? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। पंकज और लता एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रोज पंकज शादी करके लता को अपने घर ले आता है। माँ माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पंकज की माँ संतोषी देवी घर से बाहर आती है, आकर जैसे ही देखती है कि उसका बेटा शादी करके लेके आया है। अरे बेटा ये क्या, तुमने शादी करके लेके आया, मुझे कहा भी नहीं, मुझसे कह दिया होता। अरे माँ अब तुमसे क्या कहूँ, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुझे मंदिर में शादी करके इसे लाना पड़ा। वैसे भी तुम्हें कितना तकलीफ होती है घर के कामों को करने के लिए, इसीलिए तो तुम्हारी मदद के लिए मैं शादी कर लिया हूँ। अब से लता तुम्हारे हाथ बटाएगी और तुम्हारी मदद करेगी, अब तुम्हें आराम मिलेगा थोड़ा सा। संतोषी देवी अपने बेटे के सामने और कुछ कह नहीं पाती है। हाँ हाँ बेटा ठीक ही किया, बहू लाकर जा, घर लेके जा, अंदर लेके जा बहू को। पंकज लता को लेकर घर के अंदर चला जाता है और इधर संतोषी देवी, अरे मन में क्या क्या अरमान थे, अच्छे घर में शादी दूंगी अपने बेटे की, खूब सारा पैसा लूंगी, अच्छे से रहूंगी, लेकिन बेटे ने तो मेरी सपनों में पानी डाल दिया, अब क्या करूं, बहू लेके आ गया तो उसी के साथ तो रहना पड़ेगा। शादी की दूसरी सुबह सास संतोषी देवी कमरे में बैठी हुई थी, तभी लता चाय बनाकर लेके आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। चलो अच्छा है, सुबह सुबह चाय तो नसीब हुई। तभी वहाँ पर पंकज आता है। अरे माँ मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे पंकज चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं नहीं मैं बाद में पी लूँगा, एक काम करो तुम बैठ के पी लो, माँ के साथ थोड़ी सी घुल मिल भी जाओगी, और ऐसे भी मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए पंकज वहाँ से चला जाता है खेत की ओर। और इधर लता चाय पीने के लिए अपनी सास के बगल में बैठ रही होती है, तभी संतोषी देवी कहती है, अरे अरे बहू क्या कह रही है? वो माँ जी चाय पीने के लिए थोड़ी सी बैठ रही थी। अरे कोई दरकार नहीं है, एक काम कर रसोई में जा, वहाँ जाकर चाय पी लेना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना, वैसे भी घुलने मिलने की बात है तो बाद में घुल मिल लेंगे, मेरा नाश्ता में देरी नहीं होनी चाहिए, मुझे बड़ी जोर की भूख लगती है। ठीक है माँ जी बना देती हूँ। ये कहते हुए लता वहाँ से चली जाती है किचन की ओर। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। समय बीतने के साथ साथ लता प्रेग्नेंट हो जाती है। लता कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू बहू, अरे बहू तू यहाँ पर सोई हुई है, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, प्यास से गला सूखा जा रहा है, जल्दी से पानी लेके आना। ठीक है माँ जी ला देती हूँ अभी। ये कहते हुए उसकी सास वहाँ से चली जाती है। लता प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे उठने बैठने में काफी तकलीफ हो रही थी, तब भी वो घड़ा उठाती है और पानी लेने के लिए नदी की ओर चल देती है। लता नदी किनारे पहुँचती है, आकर देखती है वहाँ पहले से तीन औरतें बैठकर गप्पे लहरा रही थी, पानी लेने आई हुई थी। अरे लता लता आजा आजा, तू भी आजा हम लोगों के साथ, थोड़ा सा बैठकर बातें करते हैं। हाँ हाँ घर में तो सिर्फ काम ही काम, यहीं थोड़ा सा
बात करने का मौका मिलता है, इसी बहाने बात करते हैं। सभी औरतों की शादी लगभग लता के आसपास ही हुई थी, इसलिए सभी औरतें प्रेग्नेंट भी थी। अरे लता, तेरा कितना महीना चल रहा है? मेरा तो छठा महीना चल रहा है। अरे मेरा भी छठा महीना चल रहा है। अरे मेरा भी, लगता है हम सभी का बच्चा एक साथ ही होने वाला है, बड़ा अच्छा लगेगा। लता उन औरतों के साथ बैठकर काफी गप्पे लड़ाती है। कुछ समय बीत जाता है, तभी लता को याद आता है उसकी सास की बातें। अरे देखो, तुम लोगों के साथ बात करते करते मैं भूल ही गई, सासूमां ने कही थी जल्दी पानी लेके आने के लिए, उन्हें प्यास लगी है। अब तो मुझे सुनाएगी पक्का, मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। फिर लता पानी लेकर अपनी घर की ओर चल देती है। कुछ समय बाद लता को लेबर पेन उठता है। लता को जल्दी से पंकज हॉस्पिटल में भर्ती करता है। वहाँ लता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। ये बात सुनकर पंकज और उसकी सास दोनों काफी खुश होते हैं। अरे बेटा, यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी बहू को, घर में ही बच्चा हो जाता, यहाँ कितने सारे पैसे लगेंगे। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है गाँव में 3 औरतों की मौत हो गई है, एक खतरनाक वायरस आया है, उन लोगों को भी बच्चा होने वाला था, उनकी बच्चे तो बच गए लेकिन माँ की मौत हो गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया यहाँ लाकर। क्या ऐसी बात है? दूसरी सुबह 3 औरतें आ जाती है संतोषी देवी के घर के बाहर और आवाज लगाती है। अरे दीदी दीदी, जरा बाहर तो आइए। संतोषी देवी उनकी आवाज सुन घर से बाहर आती है। अरे ये क्या, आप लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे को यहाँ क्यों लेके आ गए सुबह सुबह, क्या हो गया? अरे दीदी, अब क्या ही बताऊँ, हमारी बदकिस्मती से हमारी बहू की मौत हो गई, अब ये बच्चा छोटा है, बेचारा दूध पीता है, कहाँ से पिलाओ दूध, इसकी माँ तो मर गई। हमने सुना है कि आपकी बहू को भी बच्चा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर दूध इन बच्चों को भी पिला देते तो काफी अच्छा होता। हाँ हाँ, बड़ी मेहरबानी होती संतोषी देवी। तभी इधर संतोषी देवी मन ही मन सोचती है, अरे इन तीनों को मैं दूध पिलाने के लिए अपनी बहू को क्यों दूं? ऐसे थोड़े ना, अगर मैं दूध पिलाने के बदले कुछ पैसे ऐंठ लूं तो मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिजनेस करना चाहिए, अभी मौके पे चौका मारना चाहिए, पैसे लूंगी तब दूध पिलाने दूंगी। देखिए दीदी, ऐसे थोड़े ना होता है, मेरा भी तो पोता हुआ है, तो उसे भी तो दूध पिलाना होगा, तो अगर आप लोगों के बच्चे को मैं दूध पिलाऊं तो उसके दूध में कमी आएगी, वो भी तो भूखा रहेगा, ऐसे थोड़े ना, बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, अगर आप लोग उसके बदले कुछ दे सकते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध इन बच्चों को भी पिलवा सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, हम कुछ पैसे आपको दे देंगे, बस इन बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलवा दीजिए। ये हुई ना समझदारी वाली बात। वर्तमान समय, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लता उन बच्चों को ज्यादा दूध पिला देती है और अपने बच्चों को ठीक से दूध नहीं पिला पाती है, जिस कारण उसका बच्चा भूखा रहता है। और एक रोज उसका बच्चा काफी रो रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोते रोते बेहोश हो जाता है। अरे मुन्ना मुन्ना, क्या हो गया मुन्ना मुन्ना? माँ जी माँ जी, देखिए ना मुन्ने को क्या हो गया, चुप हो गया एकदम से रोते रोते, क्या हो गया? तभी पंकज घर आता है। अरे पंकज देखिए ना, मुन्ना रोते रोते चुप हो गया, कुछ भी नहीं कह रहा, क्या हो गया? अरे मुन्ना मुन्ना, अरे चलो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए इसे। फिर लता जल्दी से मुन्ने को हॉस्पिटल की ओर लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शैबा मुन्ने को अच्छी तरह से चेक करती है। अरे डॉक्टर शैबा, क्या हुआ है मुन्ने को, क्या हो गया? आपका मुन्ना तो काफी कमजोर है, आप इसे दूध नहीं पिलाते क्या? कमजोरी के कारण बेहोश हो गया है, इसे 2-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना होगा, अच्छी तरह से देखरेख करनी होगी और इसके माँ को भी यहाँ रहना होगा। अरे डॉक्टर साहिबा, काफी खर्चा हो जाएगा क्या? हाँ माँ जी, कुछ तो खर्च होगा ही, अगर आप बच्चे को अच्छी तरह से दूध नहीं पिलाएंगे तो उसे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, और आपका बच्चा इसी कारण तो बेहोश हो गया। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसकी सास को ये रियलाइज होता है कि कुछ पैसे बचाने के चलते एक लंबा खर्च में फंस जाती है और अपने पोते को भी जान के जोखिम में डाल देती है। अब से सास संतोषी देवी और किसी से पैसे नहीं लेती है और समान मात्रा में अपने पोते को भी दूध पिलाने देती है, जिससे उसका पोता भी सही सलामत होता है और सभी कोई
इस घर में अब खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगते हैं। मोहन धीरे धीरे से सीमा के करीब आता है और जैसे सीमा को छूता है, सीमा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। हाथ से उसका सूप का बाउल गिर जाता है नीचे। अरे सीमा, सीमा क्या हो गया, क्यों चिल्लाई थी? अरे सुबह कुछ नहीं, वो साली साहिबा सूप बनाई थी, मैं लेने गया तो हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। शोभा और मोहन की शादी हो जाती है, इससे शोभा के घर वाले काफी खुश होते हैं। शोभा के घर वाले काफी गरीब थे, उसके पिता एक किसान थे और उसकी एक छोटी सी बहन थी सीमा। शोभा और मोहन दोनों शादी के बाद घर के अंदर जाने के लिए आते हैं कि दरवाजे पर मोहन की साली खड़ी होती है सीमा। अरे क्या बात है साली जी, दरवाजा तो छोड़िए, हमें अंदर जाना है। अरे नहीं नहीं चीचा जी, घर के अंदर जाना है तो साली को नेक तो देना पड़ेगा, बिना नेक के अंदर जाने नहीं मिलेगा। अरे सीमा ये क्या कह रही है तू? अरे दीदी ये सालियों का हक है, कैसे छोड़ सकते हैं? अरे लेकिन साली जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूं? तो फिर रात में बाहर ही रुकना पड़ेगा। अब आपको सोचना है बाहर रुकना है कि अंदर जाना है। अब साली इतना जिद कर रही है, कुछ तो देना पड़ेगा। फिर मोहन अपने जेब से 100 का नोट निकालता है और सीमा को देते हुए कहता है, ये लीजिए साली जी, अब तो जाने दीजिए हमें अंदर। अरे जीजा जी इससे क्या होगा, 100 के नोट से कम 500 रुपया तो निकालिए, इतने कंजूस हैं क्या मेरे जीजा जी? क्या सीमा अब दे रहे हैं ना, जो दे रहे वो रख लो, इतनी जिद क्यों कर रही हो? अरे शोभा साली और जीजा के बीच में तुम मत आओ, ये हम दोनों की आपस की बात है। ये हुआ ना जीजा जी, तो लाइए मेरा 500 का नेक निकालिए जल्दी से और अंदर जाइए। चलो साली जी तुम जीती मैं हारा, ये लो 500 का नोट, अब हमें अंदर जाने दो। मोहन सीमा को 500 का नोट दे देता है और सीमा गेट छोड़ देती है। 500 का नोट पाकर सीमा खुश हो जाती है, ये आज तो मजा आ गया। शादी के दूसरे रोज शोभा अपनी ससुराल में किचन में कुछ नाश्ता बना रही थी, तभी किचन में मोहन आता है। अरे शोभा सुबह सुबह किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? अरे मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे आपको ऑफिस जाना ना, लेट हो जाएगी, इसीलिए जल्दी जल्दी से बना रही थी। आप जाके बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे तुम कहो तो ऑफिस आज नहीं जाते हैं, घर पर ही रुक जाते हैं, दोनों मिलकर अच्छे से खाना बनाते हैं। कोई दरकार नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपको ज्यादा रोमांटिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाके बैठिए चुपचाप, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, बैठ जाता हूँ, जल्दी लेके आओ नाश्ता, बीबी भी ऐसी है प्यार करने देती नहीं है। ठीक है मैं वैसी ही हूँ। फिर मोहन किचन से चला जाता है और इधर शोभा, मेरे नटखट पति कही के। एक महीने बाद एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया, अभी तो मोहन ऑफिस में होंगे, कौन आया है देखती हूँ जाकर। फिर शोभा बाहर के दरवाजे की ओर जाती है, सामने देखती है उसकी बहन सीमा आई हुई है। ये देखकर शोभा काफी खुश हो जाती है सीमा को देखकर, और सीमा भी काफी खुश होती है अपनी बहन शोभा को देखकर। अरे सीमा तू, अरे शोभा कैसी है मेरी बहन? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? और अचानक से बिना खबर दिए, अरे वो मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे, घर में बैठी थी, सोची बहन से मिलता चलूं, तो आ गई, कुछ दिन तेरे पास रहूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं, शाम को आएंगे। चल चल घर के अंदर चल, बाहर कितनी बातें करेंगे, अभी ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। हाँ हाँ चल चल। फिर शोभा सीमा को घर के अंदर लेके जाती है। फिर शोभा और सीमा दोनों बहन मिलकर खूब बातें करते हैं, सुबह से कब शाम हो जाती है उन दोनों को भी पता नहीं चलता है। अरे सीमा तू यहाँ बैठ, कब शाम हो गई, हम लोगों के बातें बातों में कुछ पता ही नहीं चला, उनके लिए कुछ नाश्ता बनाना है, तू यहाँ बैठ मैं तुरंत नाश्ता बना के आ जाती हूँ। अरे शोभा तू तो हमेशा बनाती है, आज मैं जीजा जी के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, जीजा जी को पसंद आएगा। अच्छा चल ठीक है बना ले कुछ अच्छा सा। फिर शोभा कमरे में ही रहती है, सीमा नाश्ता बनाने के लिए किचन की ओर जाती है। सीमा किचन में आकर अपने जीजा जी के लिए बहुत अच्छे से
सूप बनाई थी। अरे ये तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, जीजा जी को ये बहुत पसंद आएगा। सीमा ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से उसके जीजा जी मोहन आ जाते हैं किचन में। अरे शोभा आज बच के कहाँ जाओगी, आज तो मैं तुम्हें सरप्राइज कर ही दूंगा। कितना जल्दी मैं घर आ गया, हमेशा कहती थी कि जल्दी नहीं आ सकते, आज मैं आ गया। मोहन को सीमा को देखकर पता नहीं चलता पीछे से कि ये सीमा है कि शोभा है, क्योंकि सीमा शोभा की साड़ी पहनकर किचन में थी। मोहन धीरे धीरे से सीमा के करीब आता है और जैसे सीमा को छूता है सीमा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, हाथ से उसका सूप का बाउल गिर जाता है नीचे। अरे साली साहिबा तुम यहाँ पर? हाँ वो जीजा जी, मैं वो आपके लिए बना रही थी कुछ नाश्ता, वो गिर गया नीचे, आज ही मैं आई थी। सीमा की चिल्लाने की आहट सुन शोभा भी जल्दी से दौड़े दौड़े किचन में आ जाती है। अरे सीमा सीमा क्या हो गया, क्यों चिल्लाई थी और ये क्या गिर गया पूरा? अरे शोभा कुछ नहीं, वो साली साहिबा सूप बनाई थी, मैं लेने गया तो हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। अच्छा ठीक है, आप जाइए फ्रेश होइए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा, सॉरी दीदी वो सूप गिर गया। अरे पगली कोई बात नहीं है, हम साफ कर देते हैं अभी। 9 महीने के बाद शोभा प्रेग्नेंट थी। अरे शोभा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें बच्चा कभी भी हो सकता है, 10वां महीना चल रहा है, मुझे और ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम घर पर अकेली हो, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। अरे नहीं मोहन कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, आप ऑफिस जाइए, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको फोन कर लूंगी, आप जल्दी से आ जाना। चलो इतना जिद करिए तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत हो तुरंत फोन करना, हिचकिचाना मत। हाँ हाँ मोहन मैं आपको फोन कर दूंगी, अब आप ऑफिस जाइए, मेरी चिंता छोड़िए। फिर मोहन ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। एक रोज सुबह कमरे में ही थी कि अचानक से उससे काफी दर्द होने लगता है, उसे लेबर पेन होने लगता है और उसे दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता है। तभी वो, अरे काफी दर्द हो रहा, अब मुझे सहन नहीं हो रही है, लगता है मुझे मोहन को फोन कर देनी चाहिए। फिर शोभा मोहन को फोन कर देती है। मोहन शोभा को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, काफी इमरजेंसी थी इसीलिए डॉक्टर शोभा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। और इधर मोहन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ पर सीमा और उसके पापा भी पहुँच जाते हैं। चीचा जी दीदी, वो शोभा अंदर है, ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ ठीक है ना दीदी का? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सब तो नॉर्मल था, अभी डॉक्टर देख रही है। फिर सीमा और उसके पापा भी वहाँ बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ऑपरेशन खत्म होने का। इधर अंदर डॉक्टर सीमा का ऑपरेशन कर रही थी। काफी समय बाद डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, एक बच्चे को गोदी लिए। माफ कीजिएगा मैं माँ को बचा नहीं पाई, और ये बच्चा क्या क्या ये क्या कह रहे डॉक्टर साहब? दीदी ये क्या हो गया दीदी? अरे शोभा बेटी ये क्या हो गया तुझे कितने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू हमें छोड़कर चली गई, बेटी ये क्या हो गया? अभी संभालिए अपने आप को, ये लीजिए इस बच्चे को पकड़िए, इस बच्चे की तरफ देखिए, ये मासूम बच्चा, इसकी अभी जिंदगी शुरू हुई है। डॉक्टर साहिबा बच्चे को सीमा के गोदी में देकर वहाँ से चली जाती है। अरे शोभा ये क्या कर दी, हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं थी, हमें तो तुम्हारी जरूरत थी, ये क्या कर दी शोभा, हमें छोड़कर चली गई, ऐसा क्यों की शोभा, अब इस बच्चे का क्या होगा, कैसे मैं इसे पर। शोभा के जाने के बाद मोहन एकदम से अकेला हो गया था, हमेशा चुपचाप रहता। सीमा अब इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने लगी थी उस बच्चे की देखभाल के लिए। एक रोज मोहन कमरे में बैठा हुआ था, तभी सीमा नाश्ता लेकर पहुंचती है। ये लीजिए जीजा जी नाश्ता कर लीजिए, ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, दीदी तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो चली गई, कम से कम आप इस बच्चे के खातिर। अरे नहीं सीमा मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, ये कहते हुए मोहन वहाँ से चला जाता है। और इधर सीमा बच्चे के बगल में जाकर बैठती है,
बच्चे को देखती है और सोचती है, अरे ये क्या हो गया मुन्ना, तेरी माँ तेरे को जन्म देते ही चली गई। जीजा जी ऐसे हो गए, कैसे चलेगा? हे ऊपर वाले, कुछ तो चमत्कार कर, कुछ तो कर, सब कुछ ठीक कर दे पहले जैसा। मुझे ये जीजा जी का दर्द देखा रह जाता अब से। एक रोज सीमा कमरे में थी, तभी उसके पापा वहाँ पहुँचते हैं। अरे सीमा बेटा, क्या कर रही है? अरे पापा, वो मैं जीजा जी के बारे में सोच रही थी और मुन्ने के बारे में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुन्ने का क्या होगा, जीजा जी भी इतने, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे बेटा, मैं भी तुमसे यही बात करने के लिए आया था, एक मेरी एक बात मानेगी? क्या पापा? बेटा ना मत करना। क्या पापा, पहले कहिए तो। सीमा बेटा, तू मोहन से शादी कर ले, देख तुझसे अच्छा उस बच्चे को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। अगर कोई भी मोहन से शादी करती है तो वो कभी भी इस बच्चे को नहीं अपनाएगी, वो हमेशा इस बच्चे को अपने से दूर ही रखेगी, कभी भी प्यार नहीं करेगी। और अगर तू शादी कर लेती है तो तू ही उसे माँ का प्यार दे सकती है। लेकिन पापा, मैं कैसे दीदी का जगह ले सकती हूँ? अरे बेटी, तू ही ले सकती है, तू ही इसकी हकदार है, उस बच्चे की खातिर कर ले बेटा। सीमा अपने पापा की बातों को नहीं काट पाती है और उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मोहन भी अंत तक मान जाता है उस बच्चे की खातिर, उस बच्चे की परवरिश के खातिर अपनी ही साली यानी सीमा से शादी करने को। सीमा और मोहन की शादी हो जाती है, इससे सीमा के पापा खुश होते हैं, कम से कम उसकी एक बेटी की जगह दूसरी बेटी लेती है, उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाती है।